बस्तर के कांगेर वैली नेशनल पार्क के प्रसिद्ध जलप्रपात तीरथगढ़ में जल्द ही कांच ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा। इसका सर्वे पुणे की कंपनी द्वारा कर लिया गया है। वन विभाग ने तीरथगढ़ जलप्रपात के सामने ग्लास ब्रिज बनाने की योजना तैयार की है। यह ब्रिज तीरथगढ़ जलप्रपात के बिल्कुल सामने होगा और इस ब्रिज के माध्यम से खूबसूरत जलप्रपात तीरथगढ़ को पर्यटक नजदीक से देख पाएंगे। बारिश के मौसम में तीरथगढ़ जलप्रपात अपने रौद्र रूप में नजर आता है। उस वक्त पर्यटक इसे करीब से देखना तो चाहते हैं, लेकिन खतरे की वजह से जलप्रपात के करीब जाने में विभाग द्वारा रोक लगा दी जाती है। कांच के ब्रिज बन जाने से पर्यटक बारिश के समय में भी तीरथगढ़ को करीब से ब्रिज के माध्यम से देख पाएंगे। ब्रिज बनने के बाद पर्यटक सुरक्षित तीरथगढ़ जलप्रपात का लुत्फ उठा पाएंगे। यह ब्रिज 5 से 6 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी। 2025 तक यह ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगी और वाइल्ड लाइफ पर्यटकों के लिए सौंप देगा। हालांकि इस ब्रिज से तीरथगढ़ का लुत्फ उठाने वाले पर्यटकों को टिकट लेना होगा। यह टिकट का दर अभी विभाग द्वारा तय नहीं किया गया है। जगदलपुर से एसडी राज की रिपोर्ट। ये अभी टीम ने सर्वे किया है, पुणे की टीम है जिन्होंने राजगीर में भी बनाया है और लागत इसके लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए आएगी। अभी लेकिन उन्होंने प्रारंभिक सर्वे किया है, उन्होंने वहाँ पे जो साइल है उसका टेस्टिंग करके उसकी रिपोर्ट चाहिए है ताकि उसी हिसाब से वो कॉलम का डिजाइन बना सकें। बन जाएगा तो क्या लगता है ये पर्यटन की संख्या बढ़ेगी? निश्चित रूप से बढ़ेगी, क्योंकि इस एरिया में कांगेर वैली के प्रति, कुटुंबसर केव्स के प्रति लोगों में जिज्ञासा तो है ही, उसमें उसके लिए तो वहाँ जाते ही हैं। तीरथगढ़ झरना भी इस एरिया के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट पॉइंट है। काफ़ी लोग जाते हैं और हमेशा पूरे 12 महीने जाते हैं। तो उसमें अगर हम ग्लास ब्रिज बना देंगे जो कि छत्तीसगढ़ इंडिया के लिए बहुत रेयर है, तो निश्चित रूप से टूरिस्ट का आकर्षण कांगेर वैली के लिए बहुत और तीरथगढ़ के लिए बहुत बढ़ेगा।